चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। हम अभी वाराणसी क्षेत्र के नागेपुर गांव में हैं। दर्शकों को याद होगा कि जब मोदी जी यहाँ से सांसद बने थे 2014 में, तो उन्होंने 4 गांवों को गोद लिया था और ये वायदा किया था कि ये जो गांव हैं यहाँ पर आदर्श ग्राम इनको बनाएंगे, इनका जो विकास किया जाएगा ये देश के सामने एक उदाहरण होंगे आदर्श ग्राम के। सबसे पहले उन्होंने वाराणसी क्षेत्र के जयापुर गाँव को गोद लिया और उसके बाद नागेपुर गाँव को। गांव के रास्ते में यहाँ आते आते आप देखेंगे तो सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। बाकी वाराणसी में सड़कें इतनी अच्छी नहीं हैं जितना यहाँ इस गांव के रास्ते की सड़कें हैं। फिर कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पहले तक यहाँ पर सड़कें काफ़ी साफ़ हो जाती हैं। क्या ये विकास जो है यहाँ एक ऊपरी स्तर पर ही है कि ऊपर से और बाहर तक की सड़कें साफ़ कर दी हैं और अच्छी कर दी हैं, या फिर रोज़गार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ये सारे वायदे जो मोदी जी ने किए थे, इस स्तर पर भी एक गहरे रूप से भी विकास नागेपुर गांव में, इनके गोद लिए गांव में हुआ है कि नहीं, आइए गांव वालों से बात करते हैं और पता करते हैं। गांव के अंदर कुछ ही कदम लेते हुए लगभग 100 मीटर 150 मीटर आप गांव के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि एक आंगनवाड़ी केंद्र है जो वेदांता कंपनी ने खोला है। कहीं ना कहीं ये वेदांता, जिन लोगों को नहीं पता है बता दे, एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। उड़ीसा में एक बहुत बड़ा खनन खोलने की ये कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा माइनिंग कॉरपोरेशन है। क्या आदर्श गांव का मतलब ये होगा कि निजी कंपनियाँ आकर यहाँ पर विकास करेगी और सरकार उस विकास से अपना हाथ पीछे खींचेगी? हमें अभी तक इन चीज़ों के जवाब नहीं मिले हैं। लोगों से बात करते हैं तो और चीज़ें हमें पता चलेंगी। नमस्कार। आपके गांव को मोदी जी ने कहा था कि आदर्श गांव बनाएंगे, वायदे किए थे। महिला सशक्तिकरण की उन्होंने बहुत बात करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करी थी। यहां पर बेटियों को पढ़ाने के लिए क्या क्या इनकी स्कीमें शुरू करी हैं? कुछ अलग से इस गांव में स्कीमें शुरू करी हैं? कुछ हुआ है यहाँ? यहाँ पर मोदी जी कोई व्यवस्था नहीं दी लड़कियों के लिए पढ़ाने के लिए, जैसे कि कोई सरकारी में अच्छे से पढ़ सके। स्कूल वगैरह में कुछ इस तरह से नया कुछ उन्होंने सुधार नहीं लाए हैं? नए सुधार तो नहीं लाए हैं, गांव में भी काफ़ी सुधार नहीं हुआ है और पैसा जो भरवाया जाता है 3000 वाला वो भी नहीं आता है। नरेगा की स्कीम होती थी मनरेगा, गांव में रोजगार दिलाने के लिए, उसका यहां पर क्या स्थिति है अभी? पैसा जो करो तो कुछ मिलता नहीं बा, हम तो अकेले वही पोखरा में भी पैसा नहीं मिला। नहीं मिल रहा है? काम भी नहीं मिलता है, कामो करे लेकिन पैसा नहीं, मजदूरी भी नहीं बा। एक साल में 4 दिन के काम मिली तो 4 दिन में खाजी लई है, वो पैसा नहीं। एक गांव में कौन सी बा उद्यम, कौनो तो उद्यम नहीं बा है गांव में। हां कि कौनो रोजगार हो, कौनो अथवा हो कि अपन महिला बहन 10 ठे अपन 4 ठे बेटी बेटा बहन कैसे खइहें, कैसे जिहें, कैसे पढ़ाइहें, का करिहें? क्या उम्मीद है जब मोदी जी ने यहां से सांसद बने थे, आप लोगों को तो बहुत उम्मीदें रही होंगी कि भाई आपके यहाँ से सांसद बने और आपका गांव उन्होंने एक आदर्श गांव के रूप में गोद ले लिया था? बाथरूम बने होंगे, शौचालय बने होंगे, शौचालय बने, पानी शौचालय सबके मतलब पानी और शौचालय का काम हुआ है। पिछले सरकार बनल रहे तो ना ही कुछ बा, जेकरे कुछो नहीं बा वो 500 महीने में आवत रहला, आवत रहला तो ना ही 2 महीना एक महीना दिक्कत रहला, तो मायावती रहलिन सरकार तब वो मिलत रहा समाजवादी पेंशन वगैरह, अगले सरकार भन तब वो मिलत रहा, अब मोदी सरकार भन तो कुल लिख दी, कुल लिखा पोती का दी है तो नहीं मिल रहा आपको पेंशन? बतावा कि जब ना ही कोनो रोजगार बा तो कम से कम उतना तो मिलत रहल, तो आ जाता तो मतलब कि आपको अगर रोजगार नहीं है तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता या पेंशन मिले। उज्ज्वला स्कीम की बहुत बात हुई थी कि अब महिलाओं को चूल्हे पर नहीं, लकड़ी पर नहीं खाना बनाना पड़ेगा चूल्हों पर, अब मैं घर घर पर सिलेंडर भेजूंगा, आपके यहाँ पर क्या स्थिति है सिलेंडर को लेकर? वह महंगाई बात, अब गरीब आदमी पैसा नहीं पता भरा, एक दाई का मिलल बना बना सब रखेगा,
ज्यादा मतलब पैसा नहीं देता है, इसलिए नहीं कोई भरा पाता है। जब को मैं यहाँ बची तब ना भर तो आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, आप वापस क्या उसी लोग सब वापस लकड़ी वाले चूल्हे पर ही आ गए? सिलेंडर बंद हो गए? तो क्या घर पे खाली बस पड़े हुए हैं सिलेंडर? तो गैस इतनी महंगी हो गई है कि कैसे कोई अपना पैसा जुटा ही नहीं पा रहा है, तो भराएगा कैसे? ये बड़ी बात है। ग्रामीण महिलाओं के लिए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा योजना जो चलाई थी, जिसके लिए अलग अलग जगह ये बोला गया था कृपया अपनी गैस की सब्सिडी, अगर आपके पास पैसे हैं तो कृपया अपनी गैस की सब्सिडी बंद कर रहे हैं, ताकि हम ग्रामीण महिलाओं तक और आर्थिक रूप से कमज़ोर घरों की महिलाओं तक हम सिलेंडर पहुंचा सकें। यही नहीं, लगभग जहां जहां पर भी हम उत्तर प्रदेश में घूमे हैं, महिलाओं की एक बहुत बड़ी शिकायत रही है कि सिलेंडर आ तो गए लेकिन डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र से जो पैसा आना था वो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से सारी महिलाएं लगभग वापस लकड़ी पर खाने बनाने पर आ गई हैं, चूल्हे मिट्टी के चूल्हों पर बना रहे हैं खाना। उम्मीद करी थी कि आदर्श गाँव में कम से कम वो स्थिति नहीं होगी, गोद लिए गांव में भी वो स्थिति नहीं होगी, लेकिन लगभग गोद लिए गांव के साथ भी इस तरह का सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये देखकर थोड़ी सी हैरानी और काफ़ी दुख हो रहा है। आइए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं गांव की स्थिति क्या है। जी आपका नाम? उदल। उदल, उदल साहब एक चीज़ बताइए, आप करते क्या हैं? हम एक वक्त पहले तो बुनकर का बुनाई करते थे, अब उसे छोड़ के लेबराई करते। किसी एक ज़माना था जब वाराणसी के बुनकरों की देश भर में चर्चा होती थी, और जब यहाँ पर मोदी जी संसद बनकर आए थे तो बुनकरों को तो कम से कम एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण नज़र आई थी। बहुत बहुत भारी किरण आई थी, लेकिन ऐसा हो गया कि एकदम ख़त्म हो गया। तो कुछ मदद नहीं आई बुनकरों? कुछ नहीं मदद आया, आज तलक से नहीं मदद आया, कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जनची मशीन हम लोग चलाते थे, वो बंद हो गया, सड़ गया, वो फेंका है। आप तो उनके आदर्श गांव में हैं, लेकिन यहाँ आदर्श गांव में हो के क्या करेंगे, वो सड़ रहा है, कुल मशीन सड़ रहा है, बेलन सड़ रहा है, सब सड़ रहा है। अच्छा, लेबरई करते हैं तो परिवार को चलाते हैं, खिलाते हैं। कहाँ पर? रोज थोड़ी मिलता है लेबरई, लेबरई थोड़ी मिलता है रोज। ठेके पर मजदूरी मिलती है? ठेके पर मिलता है, नहीं तो सट्टी में जाते हैं, मिलता है मिलता है, नहीं तो चले जाते हैं घर। हम पता कर रहे हैं गोद लिया गांव में कितना लोगों का फायदा हुआ है, कितना फायदा हुआ है यहाँ गांव वालों का? फायदा का कैले बानी है, शौचालय बनल, शौचालय बने, हाँ ये सब बता रहे हैं। वो नंद घर बनल बा, एक पानी के थुआ टंकी लगल बा। नागेपुर में एक खपड़ैला वाला घर न रही पहले। अच्छा, तो मतलब मोदी जी बोले कच्चे घर नहीं रहेंगे, लेकिन कच्चे घर अभी भी हैं? अभी बहुत सी बा, बहुत है, बहुत बा। तो बच्चों का स्कूल नहीं अच्छा किया? स्कूल तो कहाँ बा, स्कूल स्कूल मुस्कूल कुछ ना होला, सब हतन पहले का बा सरकारी। तो नया कुछ नहीं किया? नहीं, लड़का जाता है नवा एक किलोमीटर दो किलोमीटर वा। लड़का के लिए स्कूल नहीं है गांव में? नहीं, स्कूल नहीं है। कौन सी कौन सी क्लास तक स्कूल है यहाँ? यहाँ पाँच तक बा। पाँच तक ही स्कूल है? पाँच तक बाटला, पहले तो अथुआ हॉस्पिटल लाई बा गाँव में। हॉस्पिटल नहीं है? नहीं, रात के समय में लड़का बच्चा का तबीयत खराब और महिलाओं के बच्चा उच्चा पेट में रहे था, लेके जाओ वहाँ बनारस, तब जाके वहाँ अस्पताल मिली। कहा कुछ नहीं बात, आस पास दे मोदी ऐसे कर वैसे कर, कुछ नहीं कही लेना है। पूरे गांव में कई जगह आपको ये बहुत अच्छे महंगे डस्टबिन नजर आएंगे, कूड़ेदान नजर आएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे ठीक सामने नरेगा के चलते जो एक तालाब बना था, वो तालाब लगभग पूरा सूख गया है, और उस तालाब में जो कूड़ा यहाँ होना चाहिए था, कूड़ा वहाँ है। एक स्कीम जिसने कई ग्रामीणों को अपनी बेरोज़गारी से, अपनी गुर्बत से हटाया था, उस स्कीम का कूड़ा बना दिया गया है, और यहाँ पर बस कॉस्मेटिक चेंज जिसको कहते हैं, वो आपको पूरे गांव में ज़रूर नज़र आएंगे। चाहे वो वेदांता का दफ्तर हो, या फिर मज़े की बात यह है कि ये HDFC बैंक द्वारा लगाए गए ये डस्टबिन है। ये है यहाँ का असली आदर्श गांव। ये मेरे पीछे एक और HDFC का बोर्ड है कि सब्जी उत्पादन प्रदर्शन क्षेत्र। एक तरफ तो ये बड़ा सवाल है कि खुद सरकार के प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव को
लगभग निजी कंपनियां चला रही हैं, वो तो एक सवाल है, लेकिन दूसरा जो बड़ा सवाल है कि ये सब होने के बावजूद भी किसानों से जो कहानी सुनने को मिल रही है वो थोड़ी अलग है। कितना सुधार आया है किसानों के लिए पिछले 5 साल? कुछ नहीं सुविधा मिला हो, जैसा तब है तैसा अब हो, कोई सुविधा नहीं, बल्कि दिक्कत हो गई है, ज़्यादा दिक्कत हो गई, बिजली भी बढ़ गई है, खाद भी बढ़ गई है, दूसरा मतलब कि कोई साधन कोई सुविधा नहीं मिल रहा है यहाँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि मतलब किसान खुश नहीं है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके गांव को तो मोदी जी ने गोद ले लिया था। अरे गोद खाली खे नाव ले ले हैं। अच्छा। किसान दुखी है, खुशी नहीं है। वो देखो जो वो मीटर लगा है बिजली का कर, अगर अलग से देवे के हो तो 500 रुपया महीना उसका अलग से देना होता, तो वो कौन काम के है, किसान कहाँ से खुशी रही। हाँ, एक है नहर का पानी आज 4-5 साल से, अरे तो छूट मिलल बा अखिलेश के राज का, अखिलेश छोड़ोले हैं, अखिलेश के राज का हुआ, तिबोल नहर वही छोड़ोले वो अखिलेश के राज में। हाँ, जी हाँ, तो मोदी जी के राज में कोई नया नहर ना, ना, कुछ नहीं। अब जितना कार्यक्रम इन कैले हुई हैं सब जनबा अखिलेश और मायावती के राज का इन काम करा था, नया इन कौन काम कैले हैं कुछ नहीं कैले। जब नागेपुर को गोद लिया गया इस गाँव को, तो एक उम्मीद जगी कि मोदी के आने के बाद अगल बगल इंडस्ट्री लगेगी, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को कोई छोटा मोटा नौकरी मिल जाएगा तो अपनी आजीविका चलेगी, लेकिन ऐसा 5 साल बीतने के बाद ऐसा कहीं से कुछ दिखा नहीं, बस इनके जो वादे रहे सब हवा हवाई समझ में आए अभी तक। विकास के तो बहुत सारे वादे किए गए थे, और ख़ासकर की उम्मीद यही होगी कि जो गोद लिए हैं गांव, कम से कम उसमें तो बहुत विकास होगा, टॉयलेट तो बने हैं स्वच्छ भारत के तहत। देखिए टॉयलेट तो विकास का मानक नहीं हो सकता, या सड़कें भी हम, मैं मानता हूँ कि विकास का मानक नहीं हो सकता, जब तक कि गरीब के या मजदूर के किसान के थाली में शाम का 2 वक्त रोटी ना पहुंच जाए तब तक उसको हम विकास नहीं मानते। रोज़ सुबह यदि आप 7 बजे आ जाए गांव में, तो 7 बजे 7:30 बजे के बीच में गांव से कम 400 से 500 नवयुवक यहां से निकलते हैं, जो रोज़ शहर को जाते हैं और शाम तक 300-400 रुपये का काम करके वापस आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को काम मिलता है, कुछ लोगों को काम मिलता भी नहीं है। मोदी जी को लगा कि पकौड़ा तलना ही रोज़गार है, तो निश्चित रूप से वो हमारी योग्यता और हमारी जो डिग्री, हमारी जो पढ़ाई है उसको गाली देने का काम कर रहे हैं मोदी जी। हम बीटेक, हम बीए और एमए करके यदि हमको पकौड़ा तलना होता तो हम 5वीं पास करके भी पकौड़ा तल सकते थे। पकौड़ा तलने के लिए कोई गणित और लगाने की जरूरत नहीं होती है इसमें, इंग्लिश और हम इस उम्मीद के साथ पढ़ाई करते हैं कि बीए करेंगे, एमए करेंगे, एमएसडब्ल्यू करेंगे, पीएचडी करेंगे, उसके बाद मुझे नौकरी चाहिए, न कि मैं जाके पकौड़ा तलूँ। क्या आपको लगता है आपकी मंशाओं पर खड़े उतरे हैं, क्या हुआ है 5 सालों में आदर्श गांव बना? देखिए आदर्श गांव बनने के बाद स्थिति एक ये हुई है कि कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जैसे आप बगल में जहां हम लोग बैठे हुए हैं इसके बगल में देखेंगे नंदघर बना हुआ है, उसमें बच्चे पढ़ने आते हैं, वो वेदांता कंपनी का जो पर वो वेदांता ने बनाया है। वेदांता एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में दुनिया जानती है कि कितने लोगों को उन लोगों ने जो है कि बेघर किया है, कितने लोगों को उन्होंने उसके वज में मारा भी है, तो बजाय उसके कि उनको इस तरीके से प्रमोट करना चाहिए उनको तो कायदे से उनके ऊपर एकदम बैन लगना चाहिए, पर ये सरकार जब से आई है तब से इनको जो है कि प्रमोट करने का काम की है। जो उम्मीद लोगों को बधी थी कि प्रधानमंत्री ने इस गांव को गोद लिया है, तो प्रधानमंत्री के गोद लेने के बाद यहां लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहां पर जो लोगों को के गाँव में जो सड़कों की समस्या है, आप बाहर बाहर तो सड़कें देख रहे होंगे कि थोड़ी चमचमाती हुई दिखाई देंगी, पर गांव के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो वो सड़कें टूटी फूटी हो जाएंगी। हम लोगों को उम्मीद ये भी बंधी थी कि प्रधानमंत्री जी ने इस गांव को गोद लिया है तो कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार मिलेगा, कुछ ऐसे उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, लेकिन ये पूरा जो 5 साल पूरा रहा है इस सरकार का, उसमें लोगों की नौकरियाँ हाथों से गई हैं, न कि लोगों को रोज़गार मिला है। आप ये बताइए कि यहाँ जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात, रोज़गार की बात कर रहे हैं, तो पिछली सरकार में नरेगा की स्कीम शुरू हुई थी, इस बार क्या हालात है? स्थिति यह है कि पिछले 1 साल में लोगों को करीब 5 से 10 दिनों का काम मिला है अधिकतम, अगर एक गांव की हालत देखें। पीछे क्या होता था कि लोग काम करते थे, मैक्सिमम 2 महीने में लोगों को का पेमेंट वापस आ जाता था खाते में, लेकिन अभी क्या है कि अभी नवंबर में मजदूरों ने काम किया है और अभी तक पेमेंट ड्यूज है लोगों का। ये क्या है आपके गाँव में, लेकिन वेदांता, HDFC ये प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं क्या गांव? देखिए सरकार, ये पूरा सरकार ही प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग ही इस पूरे सरकार को चला रहे हैं। इस सरकार को चलाने में न तो किसी लोकतंत्र में, जैसे बात करते हैं कि लोकतंत्र में लोगों के द्वारा जनता चुनी जा सरकार चुनी जाती है, लोगों के लिए होती है,
ये सारी चीज़ें केवल इसमें है। हम लोगों को अभी भी ये बात एकदम से समझ में आ गया है कि हम लोग सरकार इस समय नहीं बना रहे हैं, सरकार तो प्राइवेट कंपनियां ही बना रही हैं, अडानी अंबानी ही बना रहे हैं और वही लोग उन्हीं के इशारे पे सरकार चल भी रही है। वाराणसी लोकसभा सीट जो कि मोदी जी की सीट है, प्रधानमंत्री जी की सीट है, यहाँ पर उन्हीं के गोद लिए गाँव में आए, यहाँ की महिलाओं से बात करी, बुनकरों से बात करी, नौजवानों से बात करी, मजदूरों से बात करी, किसानों से बात करी। उम्मीद थी कि यहाँ पर विकास का एक ऐसा मॉडल देखने को मिलेगा जो पूरे देश में बाद में जाकर लागू हो पाएगा, लेकिन यहाँ जो मॉडल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इंसान यही उम्मीद कर रहा है कि ये मॉडल बाकी देश में तो कम से कम ना लागू हो। चलचित्र अभियान के साथ जुड़े रहे।